प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं अफवाहों पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर भगत। तो राज्य में नहीं हो रहा कोई नेतृत्व परिवर्तन, ऐसी अफवाहें गहरे षड्यंत्र का परिणाम, सीएम रावत के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो ऐसी अफवाहें गहरे षड्यंत्र का परिणाम है और नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं हो रहा, सीएम रावत के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम प्रदेश का हो रहा है। तो जिस तरह की अटकलें यहां पर लगाई जा रही थी कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, उन तभी अफवाहों पर विराम लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, बल्कि सीएम रावत के दिशा निर्देशों पर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और बहुत अच्छा काम यहां पर हो रहा है। तो सीएम रावत के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। तो अफवाहों पर बोलते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर रावत की तरफ से कहा गया है कि राज्य में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो अफवाहें हैं वो महज अफवाहें ही हैं, ऐसी अफवाहें गहरे षड्यंत्र का परिणाम। ब्यूरो चीफ पंकज पवार एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरह से प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की बातें चल रही थी, उन तमाम अफवाहों पर विराम लगाते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंसीधर रावत का बयान सामने है कि कोई बदलाव, कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं प्रदेश में। ये बंसीधर भगत का जो ये बयान है वो अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, पिछले जब से ये नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें शुरू हुई थी उसके बाद तमाम बीजेपी नेता जो चुप्पी साधे हुए थे, उससे लग रहा था कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी के ही नेता या फिर जो उनके समर्थक हैं वो इस बात को हवा दे रहे थे, लेकिन लगता है पार्टी आलाकमान से इस मामले में डांट पड़ी है और उसके बाद कहीं ना कहीं अब जवाब देने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष भी सामने आए हैं कि भाई इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर अब नेतृत्व परिवर्तन की जो अटकलें थी उस पर थोड़ा विराम लगा है। अब हो सकता है कि अब तमाम जो विकास के कार्य हों उस पर ध्यान सरकार का भी लगे, संगठन का भी लगे, तो इसलिए प्रदेश अध्यक्ष का जो ये बयान है वो काफी मायने में अहम हो जाता है। हालांकि अफवाहों पर तो विराम पंकज यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन साफ तौर पर बंसीधर भगत ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जिस तरह की अफवाहें चल रही है वो एक षड्यंत्र का परिणाम है। तो ऐसे में इसके क्या कुछ मायने, किस ओर इशारा करने की कोशिश? षड्यंत्र तो बंसीधर भगत तो विपक्ष की साजिश और षड्यंत्र बता रहे हैं विपक्षियों की, लेकिन जो षड्यंत्रों की जो बात चल रही है वो पार्टी के अंदर की भी षड्यंत्र हैं। पार्टी के कई जो दावेदार हैं सीएम के लिए या फिर उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी इस पूरी मुहिम में जुटे हुए थे। ये बात दीगर है कि कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी अगर कहा जाए तो कोशिश सभी कर रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को किस तरीके से हटाया जाए, लेकिन लगता है त्रिवेंद्र सिंह रावत अभेदान ले आए हैं और जो तमाम पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने उनका साथ दिया है, उसकी वजह से अब बंसीधर भगत को भी इस बात पर साफ कहना पड़ रहा है। लेकिन साफ तौर पर अपने इस बयान के जरिए ये साफ बंसीधर भगत ने कर दिया है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा, और एक सख्त संदेश देने की कोशिश भी उन लोगों को जो इस तरह की अफवाहें, इस तरह की बातें जो है वो पीछे से करते नजर आ रहे थे। बंसीधर भगत ने बयान दिया है, इससे पहले अगर ये लगभग अटकले 15 दिनों से चल रही थी, बंसीधर भगत ने 15 दिनों में कुछ नहीं कहा। लगता है वो पार्टी आलाकमान की तरफ से उन्हें सख्त निर्देश आए हैं कि आप बयान दीजिए और बयान देने के बाद आपको इस पूरी बात पर पटाक्षेप करना है, तो उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने, क्योंकि पार्टी संगठन का अगर बयान आ जाता है तो पार्टी संगठन जो है वो आलाकमान की लाइन पे बात करता है, कभी भी सरकार की लाइन पे बात नहीं करता। मुख्यमंत्री अगर प्रदेश अध्यक्ष को कहें तो वो बयान नहीं देंगे, आलाकमान अगर प्रदेश अध्यक्ष को कहे तो वो बयान देंगे, और उन्होंने बयान दिया है और उसी के तहत मुझे लगता है। चलिए पंकज, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।